23 अक्टूबर 2022 मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर एक ऐसा मुकाबला खेला गया था जिसे कई दशकों तक नहीं भुलाया जा सकता है। ये मैच था आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान के बीच। वैसे तो क्रिकेट के मैदान पर जब भी ये दोनों टीमें टकराती हैं तो वो मैच नहीं जंग बन जाता है, बस फर्क इतना होता है कि ये गोली बंदूक से नहीं बल्कि बैट और गेंद से लड़ा जाता है। यही कारण है कि भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले क्रिकेट मैच को शायद ही कोई फैन भुला पाता हो। 2 साल पहले भी एक ऐसा ही मुकाबला खेला गया था। भारत के खिलाफ मैच से पहले पाकिस्तानी टीम ने हारिश रऊफ को लेकर पूरा माहौल बना दिया था। क्रिकेट एक्सपर्ट्स भी मान रहे थे कि मेलबर्न की पिच पाकिस्तान का ये स्पीडस्टर भारतीय बल्लेबाजों को तहस नहस कर देगा, लेकिन मुकाबला हुआ तो वहीं हारिश रऊफ अपना मुंह छुपाते फिर रहे थे। पाकिस्तानी टीम और हारिश रऊफ को अपनी पेस बॉलिंग पर खूब घमंड था। मैच से पहले ही पाकिस्तानी टीम ये मानकर मैदान पर उतरी थी कि उसकी जीत पक्की है। यहीं उसकी सबसे बड़ी भूल हो गई। भारत के खिलाफ मैच में पाकिस्तान को टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी का न्योता मिला था। सान मसूद और इफ्तिकार अहमद की 50 से पाकिस्तान ने निर्धारित 20 ओवरों के खेल में 8 विकेट पर 159 रन बना दिए। अब बारी थी टीम इंडिया को लक्ष्य हासिल करने की। मेलबर्न की पिच पर 159 रन का स्कोर चुनौतीपूर्ण था। इसके अलावा भारतीय टीम के दोनों ओपनर रोहित शर्मा और केएल राहुल सिर्फ 4-4 रन बनाकर आउट हो गए। ओपनर के आउट होने के बाद भारतीय फैंस निराश हो गए, लेकिन तीसरे नंबर पर बैटिंग करने उतरे विराट कोहली और उन्होंने मोर्चा संभाल लिया। विराट कोहली न सिर्फ नाबाद रहे बल्कि हारिश रऊफ की जमकर धुलाई की। लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया एक छोर से लगातार विकेट गंवा रही थी, लेकिन विराट कोहली अकेले पाकिस्तान के सामने चट्टान बनकर खड़े थे। इस दौरान उन्हें साथ मिला ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या का। हार्दिक पांड्या ने 40 रनों की विस्फोटक पारी खेलकर पाकिस्तान के मंसूबों पर पानी फेर दिया। इसके बाद बाकी का बचा हुआ मैच विराट कोहली ने अपने हाथों में ले लिया। विराट कोहली ने 53 गेंदों में 82 रनों की नाबाद पारी खेलकर ये बता दिया कि वो पाकिस्तान के लिए क्या हैं। अपनी इस पारी में विराट कोहली ने 6 चौके और 4 छक्के भी लगाए। इसमें उनका वो आइकॉनिक सिक्स भी शामिल है जब हारिश रऊफ को उन्होंने खड़े खड़े बैक ऑफ हैंड शॉट मारा था। हारिश रऊफ अब तक विराट कोहली के उस सिक्स को नहीं भूल पाए हैं, ना पूरा इंडिया। विराट कोहली की इस दमदार पारी के कारण ही टीम इंडिया ने अंतिम गेंद पर 160 रन बनाकर मैच को 4 विकेट से अपने नाम कर लिया था। इस मैच में हारिश रऊफ के बॉलिंग की बात की जाए तो उन्होंने अपने 4 ओवर में 36 रन देकर 2 विकेट लिए थे। विराट कोहली की ये पारी कई मायनों में बहुत खास थी, क्योंकि विराट कोहली ने ये 82 रनों की पारी तब खेली थी जब इंडिया को सबसे ज्यादा जरूरत थी। विराट कोहली ने ये बता दिया कि क्यों विराट को रन मशीन और चेज मास्टर कहते हैं। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसी क्रिकेट की तमाम वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और देखते रहें क्रिकेट केसरी।